Become United Farmer with United Farming in Russia and earn profit twenty to twenty five percent to fifty percent of your investment. United Farming Channel Pay, YouTube pe. हमने पांच छह वीडियो आपको बहुत डिटेल से दिए इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री विद यूनाइटेड फार्मिंग इन रशिया एंड अन प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट टू फिफ्टी परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे इन्वेस्टर के तरह तरह के क्वेश्चन थे उनकी आंसर देने के लिए यह वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी और जो न्यू व्यूअर हैं इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे वीडियो को भी देखें जिससे उनको डिटेल पता चल जाए यूनाइटेड फार्मर जी स्टेट स्टेटस सिंबल ऑफ दर्ल्ड एजी बिक फार्मर एक बिक फार्मर हा एक बिक फार्मर किसको कहते हैं पंजाब में एक मरबा जमीन जिसकी है वो जिमींदार है एक मरबा का मतलब पच्चीस एकड़ अगर 25 एकड़ जमीन किसी गांव में किसी की है तो एक रिस्पेक्टेबल जिमीदार है अगर किसी की दो एकड़ तीन एकड़ चार एकड़ दस एकड़ जमीन है मुश्किल से उसका गुजारा ही होता है लेकिन अब वक्त बदल गया है पच्चीस एकड़ जमीन में भी जो प्रोडक्शन आता है जो इनकम आती है उससे भी मुश्किल से गुजारा ही होता है लेकिन फिर भी हम बिग फार्मर मानते हैं 25 फाइव एकड़ लैंड 50 एकड़ लैंड 75 फाइव एकड़ लैंड 100 एकड़ लैंड 200 एकड़ लैंड 500 एकड़ लैंड और 1000 एकड़ लैंड यूनाइटेड फार्मर में एक बिग फार्मर 25 एकड़ एंड मल्टीपल 25 एकड़ अब जितनी भी एकड़ आप जमीन खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप सब जानते हैं कि फार्मर खेती करता है अनाज होता है मंडी में अनाज बिक जाता है नई फसल बोने के लिए वो उस क्रॉप को सेल कर देता है लेकिन यूनाइटेड फार्मर का मतलब है इंपोर्टर कि जिस कंट्री के अंदर उसका अनाज इंपोर्ट होता है यूनाइटेड फार्मी उस उस कंट्री में एक कंपनी सब्सिडरी बनाए और वहां पे अनाज को इंपोर्ट करे एज इंपोर्टर जो फार्मर को और प्रॉफिट ऐड किया जा सकता है और एज ए एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एटम बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड में कंट्री है जहा कि वहां पे कल्टीवेशन इतना नहीं होता जहां तेल होता है वहां गेहूं नहीं होता सब जानते हैं लेकिन वो बहुत अमीर कंट्री है और वहां पर उन कंट्रियों को हम एक्सपोर्ट करें रशिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए एग्रीकल्चरिस्ट एज ए फार्मर गल्फ कंट्री में इंपोर्ट करते हैं एज ए इंपोर्टर और रशिया से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो रशिया में आप एक्सपोर्टर हैं और एक जगह पे इंपोर्टर हैं मिलर मैन्युफैक्चरर एज ए फार्मर हम गेहूं पैदा करते हैं लेकिन गेहूं खाई नहीं जाती आटा खाते हैं मैदा खाते हैं और सूजी खाते हैं दलिया खाते हैं और न्यूडल है और पास्ता है बिस्किट है और ब्रेड है बीस से जो भी आइटम बनती है अगर उस मैटम को आप मैन्युफैक्चरर करते हैं ऐसे मिलिंग करते हैं तो वो जो आप जो मिलिंग करते हैं आप रिटेलर को सप्लाई करते हैं और रिटेलर के पास कस्टमर बीच में आप सबको हटा दिया सीधे रिटेलर को सप्लाई करना और रिटेलर के थ्रू आपको कस्टमर को सप्लाई करना उसका फायदा यह है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं एज ए कल्टीवेटर एज ए एग्रीकल्चरिस्ट एज एक्सपोर्टर एज ए इंपोर्टर एज ए मिलर और दूसरा फायदा भले का कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उनको रीजनेबल प्राइस में सप्लाई कर सकते हैं प्रॉफिट आप जरूर चाहते हैं लेकिन आप रीजनेबल प्रॉफिट जब भी चाहें तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है कस्टमर बेचारा जो आज की डेट में पिस रहा है एग्रीकल्चर से ही उनका भला कर सकता है एग्रीकल्चर से खरीदने के बाद सरकार भी भला नहीं कर सकती है या तो वो फ्री दे सकती है या बहुत महंगे रेट में मिलर को दे सकती है और वो भी कम रेट के अंदर हमें बाई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के नहीं मिलते दूसरा है आपका ट्रेडर जो आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट है मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट है अच्छा कहते हैं यूनाइटेड फार्मर इज स्टेटस सिंबल एज ए बिग फार्मर एज ए इम्पोर्टर एज एक्सपोर्टर एज ए मिलर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर वक्त बदल गया है उत्तम खेती मध्यम व्यापार तो उत्तम खेती का मतलब यह है कि हम जो पैदा करते हैं उसी के बाई प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करें और दूसरा क्या है आज की डेट में प्योरिटी बहुत जरूरी है प्योर प्रोडक्ट मिलने बहुत जरूरी है खाद डालने के बाद केमिकल की दवाइयां डालने के बाद प्रोडक्शन जरूर इंक्रीज हो जाता है लेकिन बीमारियां बहुत बढ़ती है अच्छे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सप्लाई करने में अच्छा प्रॉफिट है और इसमें हमारा मन भी शांत होता है कि हम प्रसा तो कमाते हैं लेकिन हम सप्लाई भी अच्छे प्रोडक्ट हम देते हैं और एज ए रिस्पेक्टेबल तरीके से यूनाइटेड फार्मर यूनाइटेड होके यूनाइटेड फार्मिंग के साथ काम करते हुए अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री विद यूनाइटेड फार्मिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आपका अगर बीट पैदा होती है उसके बाई प्रोडक्ट पैदा करें अगर हम दूसरे चीजें लगाते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट पैदा करें जैसे हम अभी तो हम वीट के प्रोडक्ट के ऊपर ही हम बात करते हैं क्योंकि वीट का हमने प्रोजेक्ट बनाया एक लाख चार हजार एकड़ जिससे हम 400 टन पर डे फ्लोर मिल जिसमें आटा मैदा और सूजी ऑर्गेनिक हम फूड प्रोड्यूस कर पाए और हम सप्लाई कर रहे हैं जी हमने फर्स्ट फेज के अंदर हमने इतना ही प्लान किया कि 400 हंड्रेड मेट्रिक टन पर डे 100 टन ईच फोर प्लेसेस में फोर मिलर को सप्लाई देने इसका प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो जो प्लान किया इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर में एप्पल ऑर्चर साढ़े बारह हजार एकड़ का एप्पल ऑर्चर और एक लाख चार हजार रुपए की एग्रीकल्चर लैंड जिसके अंदर वीट ये एक लाख चार हजार एकड़ में वीट बोई जाएगी दूसरे को प्रोजेक्ट लाएंगे हम शुगर बीट की बात करेंगे या दूसरे प्रोडक्ट की हम बात करेंगे लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आपको 2022 के अंदर है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का साढ़े बारह हजार एकड़ एप्पल ऑर्चर और, और एक लाख चार हजार एकड़ का agriculture लैंड डबल योर लैंड एंड डबल योर प्रॉफिट आप जानते हैं कि अगर 25 एकड़ जमीन होती है तो 25 एकड़ की जो पैदावार होगी उसका प्रॉफिट होगा आपकी कैपेसिटी 25 एकड़ खरीदने की है इस 25 एकड़ जमीन में खरीदने के टाइम अगर 50 परसेंट आपको लोन मिल जाता है तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी 50 परसेंट इंक्रीज हो गई आप 25 50 एकड़ की जगह पचास एकड़ खरीद सकते हैं अगर 50 एकड़ की किसी की कैपेसिटी है वो 100 एकड़ खरीद सकता है 100 एकड़ वाला 200 और 200, और 200 वाला 400 एकड़ खरीद सकता और 500 एकड़ वाला एक एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खींच जाता है अगर उसको 50 परसेंट लोन मिल जाता है उस लोन का अरेंजमेंट यूनाइटेड फॉर्मिंग ही अरेंजमेंट करेगी जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.9 परसेंट लैंड की कीमत है एक लाख दस हजार रुपया एकड़ उसका 50 परसेंट फिफ्टी फाइव पर एकड़ आपको लोन मिलता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.9 परसेंट और ये लोन आपको ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट फंड से अरेंजमेंट किया जाएगा और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.9 परसेंट और जिसको आपको 60 मंथ में यानी कि पांच साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है करीब वन थाउजेंड पर वन लाख जिससे आपकी इनकम में से ही बहुत सारी ई एम निकल जाती है ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर लैंड में तो ऑलमोस्ट साढ़े तीन साल की जो ई एम उसमें निकल जाती है और आपको टोटल लैंड आपको फ्री लैंड पड़ती है इस तरह से डबल लैंड कैसे करेंगे हमने लोन के थ्रू में अपनी कैपेसिटी के अकाउंट में डबल लैंड हमने परचेज कर ली और डबल जो प्रॉफिट क्योंकि तो अगर एग्रीकल्चर लैंड डबल है तो आपको ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट भी डबल ही होगा एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन मैन्युफैक्चर करके आप रिटेलर को सप्लाई करते हैं तो पिछले वीडियो में बताया कि लगभग आपको प्रॉफिट 25 परसेंट के करीब प्रॉफिट आपको मिल जाता है और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में एप्पल ऑर्चर के अंदर ऑलमोस्ट 50 परसेंट के करीब प्रॉफिट मिल जाता है और ये प्रॉफिट आपको जो मिलता है एग्रीकल्चर लैंड में ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में मिलता है और एप्पल ऑर्चर में फिफ्थ ईयर में करीब मिलता है तो अगर आप प्लान ये करते हैं हंड्रेड एकड़ लैंड आपने परचेज की और आपकी कैपेसिटी है वन करोड़ टेन लाख आपको लोन मिलता है आपने फिफ्टी फाइव लाख और आप 200 सौ एकड़ लैंड खरीदते हैं तो आपको लोन मिल जाता है वन करोड़ टेन लाख आपने एक करोड़ दस लाख रुपया आपके पास है आपने सौ एकड़ का अमाउंट आपने दे दिया एक करोड़ दस लाख रुपया और आपको दो सौ एकड़ लैंड परचेज कर ली अब आपको ईएमआई देनी है एक करोड़ दस लाख रुपए की प्रोडक्शन आपको आ रहा है दो सौ एकड़ का और ई दे रहे हैं वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एक लाख के ऊपर और इस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफली करीब लेस देन टू लाख रुपीज पर मंथ आपको ई पड़ रही है अगर हम हाँ, मान के चलते हैं कि आपको एग्रीकल्चर लैंड में तीसरे साल अगर प्रॉफिट आप आता है तो आपको ऑलमोस्ट डेढ़ साल की ई देनी पड़ेगी मई 2022 में आप ये पेमेंट करते हैं लेकिन अभी जो पेमेंट करनी है वन करोड़ टेन लाख का वन पॉइंट एट परसेंट आपको लोन प्रोसेसिंग एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना है यानी मई 2022 से पहले आपको 1.8 परसेंट पे करना है लेकिन आपको जो लोन की जो ई पेमेंट करनी है अगर मई में 2022 में मार्जिन अमाउंट देते हैं तो जुलाई 2022 में आपको ई पे करनी है अबाउट वन लाख नाइन्टी से प्लस लेस देन टू लाख रुपये पर मंथ पे करना है आपको इनकम आनी शुरू होगी क्योंकि 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू इनकम आपको नहीं मिलती है क्योंकि 2022 के अंदर आपको पोजीशन ऑफ लैंड कंपनी को मिलता है नवंबर में आपकी वीट बोई जाएगी और अगले साल जुलाई के अंदर आपकी वीट काटी जाएगी तो आपको ऑलमोस्ट करीब डेढ़ साल के करीब ईएमआई देनी पड़ती है और डेढ़ साल के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है तो अगर आप दो लाख ,00 रुपया लगाते हैं यानी कि तीस लाख रुपया आपको और अरेंजमेंट करना है एक करोड़ दस लाख रुपए की जगह आपको लगभग तीस लाख रुपया आपको और मैनेज करना है कि जब तक आपकी इनकम नहीं आती है तब तक आपको उस ई को देने के लिए अरेंजमेंट करना है लेकिन ठीक डेढ़ साल के बाद जब आपकी इनकम स्टार्ट होती है तो उस इनकम में से ही जो इंटरम हम कहते हैं इंटरम प्रॉफिट जो मिलता है इंटरम प्रॉफिट मिलता है कि डेढ़ साल के बाद भी ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन अगर छह महीने का भी प्रॉफिट आपको मिलता है तो उसकी बात ईएमआई ले लेते हैं और छह महीने का प्रॉफिट आपको बाद में तो आप उसकी बैलेंस शीट कंपनी की प्रॉपरली अप्रैल के बाद बनाते हैं तो कहने का यह मतलब है कि डेढ़ साल के बाद ई जो आई है आपके प्रॉफिट में से ई निकल जाएगी क्योंकि आपकी जो इनकम हो रही है दो सौ एकड़ की इनकम हो रही है और साथ में ईएमआई देने के बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है और सही प्रॉफिट जब आपकी ईएमआई हो जाती है दो सौ एकड़ में सिर्फ हम एग्रीकल्चर लैंड की तरह यूज करते हैं तो ऑलमोस्ट फिफ्टी लाख रुपीज का प्रॉफिट आप हर साल ले सकते हैं हाउ मच अर्निंग अमेरिकन फार्मर नंबर ऑफ वीडियो आप देखेंगे कि अमेरिकन फार्मर क्या अर्न करता है उसके पास एक हजार एकड़ जमीन है तो उसको साठ हजार डॉलर की अर्निंग होती है बहुत समझने वाली बात है अमेरिका में जमीन उसके पास है उसकी है जो उसके बाप दादा ने दी हुई है लेकिन आज जमीन जो लेंगे तो एक लाख दस हजार एकड़ में नहीं मिलेगी फाइव टाइम सिक्स टाइम सेवन टाइम टाइम तम ज्यादा कॉस्ट में ही मिलेगी एक लेबर कम से कम 1550 डॉलर एक लेबर कॉस्ट करती है इंडिया में लेबर 15000 पर मंथ कॉस्ट करती है रशिया के अंदर रूबल इंडिया का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है और वहां भी 15000 रूबल ही कॉस्ट करती है आप पति 15000 रूबल और डेढ़ लाख रूबल तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो आप दो सौ एकड़ के अंदर जो आप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं एज ए मिलर एज ए मैन्युफैक्चरर एज एक्सपोर्टर इंपोर्टर एज ए ट्रेडर जो आप प्रॉफिट लेते हैं अमेरिका में अगर एक हजार एकड़ भी जमीन अगर होती हो तो आप इतनी अर्निंग नहीं कर सकते हैं और जी आप कैलकुलेशन करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा के भी चेक कर सकते हैं यू कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इन रशिया नॉट इन इंडिया इंडिया में एक लाख दस हजार रुपये के अंदर एकड़ जमीन नहीं मिलेगी लेकिन कुछ मैं देखता हूं वीडियो देखता हूं मैं भी कोशिश करता हूं चालीस हजार पचास हजार में एकड़ जमीन हमें मिल जाए कहीं भी इंडिया में मिल जाए लेकिन हमें तो उसमें ना तो रोड है ना पे वहां पर वाटर का अरेंजमेंट है किसी तरह से ऐसी जमीन मिलती है लेकिन एक लाख चार हजार एकड़ जमीन को इकट्ठी करना इस रेट में इम्पॉसिबल है यूनाइटेड फार्मिंग को जिस तरह से आप को प्रोजेक्ट बताया गया कि जब तक लार्ज लैंड नहीं होती है प्रॉफिटेबल नहीं होती है। मैं आप आप आपको आता हूं बात करता हूं एप्पल ऑर्चर की एप्पल ऑर्चर एक एकड़ एप्पल ऑर्चर जिसकी कॉस्ट है ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड इंक्लूडिंग परचेज ऑफ प्लांट अगर एक एप एकड़ एप्पल ऑर्चर तैयार करना है इंडिया में विदाउट लैंड कम से कम पंद्रह लाख से लेकर बीस लाख का एक एकड़ एप्पल ऑर्चर तैयार होता है कहां कहां पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है कॉस्ट कटिंग जैसे प्लांट है एक बिग नर्सरी वहीं पे बनाना और जिसे हम प्लांटेशन 2023 में करें प्लांटेशन में कम कॉस्ट पड़े प्लांटेशन कम से कम बारह लाख पचास हजार में इतने नंबर ऑफ प्लांट चाहिए ऑलमोस्ट सिक्सटी एट लैख टू वन करोड़ प्लांट चाहिए अगर हम उसको इंपोर्ट करें ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है वहीं पे हम खुद अपने प्लांट अपनी नर्सरी में ही बनाए और उस प्लांट उसको प्लांटेशन करें तब जाके कॉस्ट इफेक्टिव होता है जैसे पिलर है तीस फुट पे सीमेंटेड पिलर लगता है एक एकड़ में कितने पिलर लगेंगे और साढ़े बारह हजार एकड़ में कितने पिलर लगेंगे क्या हम एक पिलर की एक फैक्ट्री वहां नहीं लगा सकते हैं क्या अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करने के जब हमें पता है कि पिलर लगते हैं सिर्फ वायर को छोड़कर जो वायर लगाते हैं उसको लगने के बाद या हम आ, उनका जो ट्रैक्टर है या दूसरा सामान है या ट्रॉली है या ग्रेडिंग मशीनस हैं उनको छोड़कर हमने छोटे छोटे लेवल में हम सब चीज का प्लान हम कर चुके हैं कि हम उसी की मैन्युफैक्चरिंग खुद करें जिससे कम कॉस्ट के ऊपर आपको एक आपको मिल सके क्योंकि हम यूनाइटेड कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज ने इसको प्रमोट किया जिसका काम अकाउंट्स बनाना उसको ऑडिट करना प्रोफेशनल लेवल में आपका हिसाब किताब रखना लेकिन उसको प्रमोट किया लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को हम बच्चों को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं कॉस्टिंग पढ़ाते हैं इम्प्लीटेशन कैसे किया जाए उसका हम पढ़ाते हैं नंबर ऑफ द प्रोफेसर आर वर्किंग विद अस चेंज हुआ कि नंबर ऑफ द कल्टीवेटर नंबर ऑफ द पीएचडी रिसर्चर आल्सो एडेड विद अस नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन वर्ल्ड बैंक विद एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड नंबर ऑफ रिसीव कॉल दर इंटरेस्टेड टू एसोसिएट विद यूनाइटेड फार्मिंग दिस रियली वंडरफुल प्रोजेक्ट आप अकेले नहीं है एज ए इन्वेस्टर क्या क्या आपने सौ एकड़ जमीन ले लिया तो मैं आपको बात बोल रहा था एक एकड़ जो एप्पल ऑर्चर है साढ़े बारह लाख रुपए आपको साढ़े बारह लाख रुपए का सेवेंटी फाइव परसेंट से लेकर एटी परसेंट तक यानी कि इसमें आपको टेन लाख रुपीज का लोन मिल जाता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइव पॉइंट नाइन परसेंट इसी का भी आपको देना है वन पॉइंट एट परसेंट यानी कि एक, एक एकड़ के बदले में आपको टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पे करना है और टेन लाख रुपीज लोन मिलेगा अगर दस एकड़ का एपल और चुनखीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत है एक करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस लाख रुपया मार्जिन है और एक करोड़ रुपया आपको लोन मिल जाएगा और उसका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अब फिफ्टी परसेंट इन्वेस्टमेंट कैसे है एक एकड़ में लगभग 20 से 30 टन एप्पल निकलता है एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग तीन फुट होती है एक गली के मतलब एक रो के बीच में दूसरी रो के बीच में लगभग सात और आठ फीट की दूरी होती है जिससे एक ट्रॉली निकल जाए बीच में एक सीमेंटेड पिलर होते हैं वायर होती ही लगी लगभग दस फुट तक कि दस फुट तक वायर के साथ प्रोटेक्टेड पेड़ रहते हैं और उन पेड़ों से सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हुए एक पेड़ लगभग पच्चीस साल तक आपको अच्छा फ्रूट दे देता है पिछली वीडियो में अच्छी कैलकुलेशन करने के बाद आपको अच्छी तरह बताने की कोशिश की कि लगभग 50% परसेंट ऑफ दी प्रॉफिट आपको लगभग 6 साढ़े साढ़े छ लाख रुपए का प्रॉफिट एक एकड़ में निकलता है और वो प्रॉफिट आपके एक्सपेंसेस कल्टीवेशन के प्रॉफिट यूनाइटेड फार्मिंग के जो पार्टनरशिप हुई है उसको माइनस करने के बाद आपको फिफ्टी आपको प्रॉफिट मिल जाता है अगर एक करोड़ के बदले में आपको एक लाख वन लाख नाइंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आपको पर मंथ पे करना पड़ता है तो आपको फाइव ईयर पे करना पड़ेगा यानी कि आपकी जो इनकम होती है आपको तीन साल के बाद हो सकता है थोड़े फ्रूट आए चार साल के बाद थोड़े फ्रूट आए उसका मार्जिन ऑफ हम प्रॉफिट अभी नहीं लगाया लेकिन फिफ्थ ईयर के बाद आपको फुल प्रोडक्शन आता है फिफ्टी परसेंट जाने कि टोटल कॉस्ट जो लगी हुई है अगर आपने 10 एकड़ का ऑर्चर बनाया है तो 10 एकड़ के एपलऑर्चर में 60, 62 लाख, 65 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता है जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 एकड़ का आप टू ईयर के प्रॉफिट के अंदर आप निकाल सकते हैं तो डबल जोर लैंड एंड डबल जोर प्रॉफिट ये आपको अच्छी तरह हमने समझाने की कोशिश की किस किस तरह से आप एग्रीकल्चर लैंड को डबल करते हैं किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को डबल करते हैं हिसाब किताब बहुत से इन्वेस्टर कहते हैं कि हमें लैंड वो चाहिए जिसकी हम खुद कल्टीवेशन करें बैठके हिसाब करने के लिए हमारे साथ बैठ सकते हैं कि अगर उनके पास 500 एकड़ का भी अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं इतना प्रॉफिट वो नहीं ले सकते हैं मैं एज ए फार्मर भी आपको बात कर सकता हूं एज ए प्रोफेशनल भी आपसे बात कर सकता हूं बैठ के हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं जो हम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं जो उसको एज ए फार्मर एज ए जीवींदार जो उसको स्टेटस है उस ढंग से जो काम कर रहा है कि आराम से 100 एकड़ लैंड खरीदने की कैपेसिटी है 200 एकड़ लैंड खरीदिए आपको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है अच्छे व्हाइट कलर की जगह लैंडलॉड की तरह इंजॉय करिए उसका हिसाब किताब यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज प्रॉपर उसके फाइनेंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल यूनाइटेड फार्मर को मिलेगी यानी कि इन्वेस्टर को मिलेगी और ऑडिटेड बैलेंस शीट मिलेगी कितना उसमें टैक्स लगा है कितना उसके में सब कुछ डिटेल आपका पूरी डिटेल आपको हर साल मिलेगी और आपको पता है कि कंपनीज के अंदर हेराफेरी नहीं होती प्रॉपराइटर्सिप में हो सकती है पार्टनरशिप में हो सकती है रिस्क फैक्टर हो सकता है रिस्क फैक्टर क्या है पेड़ हैं एप्पल के लगाए हैं खत्म हो जाए हमने तो जहां तक भी प्लान किया तो आपको पौध जो पौधे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए दूसरी चीज है वो बूढ़े नहीं होने चाहिए बूढ़े तभी नहीं होंगे कि बाप क्या है तो बेटे ने संभाल लिया है उसके पोते ने संभाल लिया है यूनाइटेड फार्मिंग ने एप्पल इंश्योरेंस का प्लान किया न्यू प्लांटेशन यानी कि एक प्रीमियम थोड़ा सा देना पड़ेगा 50 50 यूनाइटेड फार्मिंग देगी 50 परसेंट इन्वेस्टर देगा रीप्लांटेशन रीप्लांटेशन के लिए लैंड चाहिए यानी कि आपको ह्यूमन लाइफ हंड्रेड ईयर तक रेगुलर एप्पल ऑर्चर आपको इनकम देता रहे आप जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी है जो अपनी लैंड है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आए हमें तो लैंड खरीदनी है स्टैंप पेपर के साथ लगा हुआ हम लॉकर के अंदर रखना है वो ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि रशिया में एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के कुछ सिस्टम है कि जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिक्लेयर हो जाती है कि उसका प्रॉपर है हु विल बी रन दिस कंपनी मत ये कंपनी वहां रजिस्टर्ड हुई अगर एज ए एग्रीकल्चर कंपनी रजिस्टर्ड होकर वहां पे आप लैंड परचेज करते हैं तो ये हंड्रेड परसेंट है आप 49% परसेंट लैंड के मालिक बनेंगे और 51% परसेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां कोई रशियन उसका मालिक बनेगा यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका है लेकिन ऐसा इन्वेस्टर जब ढूंढिए जो 51% परसेंट इन्वेस्टमेंट करे और 49% परसेंट आपका हो लेकिन हमने एक बेस्ट प्रोफेशनल माइंड को यूज किया कि यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज के शेयर 49% परसेंट है उस 49% परसेंट शेयर के अंदर आप 25% परसेंट शेयर खरीद रहे हैं यानी कि आप हंड्रेड एकड़ एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो एक शेयर ढाई एकड़ का एक हेक्टर का एक शेयर एकड़ लैंड लेते हैं तो आपको फोर्टी शेयर मिले हैं अगर आप लैंड को आप सेल करते हैं किसी को आराम से सेल कर पाए कि मुझे एक शेयर बेचना एक शेयर का मतलब ढाई एकड़ दस शेयर बेचने का मतलब है आपने पच्चीस शेयर बेचने हैं फोर्टी शेयर बेचने का मतलब आप हंड्रेड शेयर बेचने हैं अगर आप उस लैंड को किसी को सेल करते हैं तो सेल करना बहुत आसान है कंपनी न्यू बायर को शेयर ट्रांसफर कर देगी और ट्रांसफर करने के बाद दो परसेंट यूनाइटेड फॉर्मिंग को ट्रांसफर फी न्यू बायर को पे करनी पड़ेगी और उसके नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे आपको पता है कि ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी डील करने के लिए कंपनी के प्रॉपर रूल होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है एक कंपनी सेक्रेटरी होता है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड मीटिंग होने के बाद ये अप्रूव होता है कि जी लैंड दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दी जाए और जब वो ट्रांसफर होती है प्रॉपर बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होने के बाद एक कंपनी की कॉमन सील होती है कॉमन सी लगने के बाद ये होता है जितना अथेंटिक कंपनीज के अंदर ट्रांसफर शेयर में होता है बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है कि लैंड परचेज हो जाती है इंतकाल नहीं होता है जमीन बिक जाती है लेकिन कंपनीज के अंदर इंपॉसिबल है नहीं होया क्योंकि स्ट्रेस कंपनी का भी होता है स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं कोई भी मैनेजमेंट उन रूल एंड रेगुलेशन को मानते हुए काम करते हैं और उनको पता है नहीं मानते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए बहुत सारे उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी कंपनी ने कंपनी उसके ऊपर इंपोज कर रखे हैं कोई रिस्क फैक्टर नहीं है नेचर के रिस्क फैक्टर्स होते रहते हैं एज ए फार्मर सब जानते हैं लेकिन आज की डेट में भी अनाज की कोई कमी नहीं है फार्मर के अनाज भी होता है और किसी भी तरह का 0.1 परसेंट भी रिस्क फैक्टर मुझे तो नजर नहीं आया अगर आप छोटे मोटे आप रिस्क फैक्टर देखते हैं वो रिस्क फैक्टर है जो पैदा हुआ है उसने जहां से एक दिन जाना ही है लेकिन वहां भी हम बोलते हैं कोई नहीं जाता है रीबर्थ इज दियर आप परचेस करेंगे तो परचेस करने के लिए आपको तीन नॉमनी आप दे सकते हैं एनी बेस सेपन हो जाएगी आपकी विल है कि फर्स्ट नॉमनी को कितना मिलेगा सेकंड को कितना मिलेगा थर्ड को कितना मिलेगा उसी शेयर के अकॉर्डिंग वो शेयर उनको ट्रांसफर हो जाएंगे एक तरह से ल होती है शेयर के अंदर कि फर्स्ट एप्लीकेंट कौन है सेकंड कौन है थर्ड कौन है फोर्थ कौन है ये आप पहला ही प्रोविजन करने के बाद आप सकते हैं प्रॉपर ये आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा एवरी ईयर टू यूनाइटेड फार्मर ऑब्ली इन्वेस्टर बहुत सारे और क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर होंगे बात कर सकते हैं एड्रेस दिया जा रहा है यूनाइटेड फार्मिंग ए यूनिट ऑफ यूनाइटेड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पंचुकला का एड्रेस है सेक्टर फाइव है और जहां आके आप बात कर सकते हैं टेलीफोन व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उससे भी बात कर सकते हैं और अपनी तसली करके इन्वेस्ट इन हॉर्टिकल्चर And agriculture industry in russia and earn very good profit and become big landlord piece of land and enjoy whole of life thank you very much